नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। तो आपसे बात करने वाला हूं पद्मावत के क्रिटिकल रिपोर्ट्स के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट डे की जो क्रिटिक्स व्यू आ रहा है, एस्टिमेट्स आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। तो आप जान के खुश होंगे। चलिए बयान देरी करे दिखा दूँ। कौशिक एलम का कहना है, क्रिटिक है साउथ के साथ, पद्मावत का पहले दिन का जो कलेक्शंस बता रहे हैं ये 18 करोड़ तक के आसपास बता रहे हैं, जो बेहतर है। और इन्होंने साथ भी ये भी कहा है कि 30% जो इसका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल था वो इसके हाथ में नहीं लगा। यानी कि मान लीजिए ये 30% जगह, मतलब ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, यानी कि ये समझ लीजिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की वजह से 30% जो इसका कलेक्शंस है वो लॉस्ट हुआ। यानी 30% कलेक्शंस आप पकड़ लीजिए, 18 का 30%। तो मैं आपको बता दूँ, ये कम से कम 27 से 28 करोड़ तक आराम से जाता, या फिर 26 करोड़ तो ज़रूर रहता अगर ये फिल्म का ये तीन स्टेट से बैन नहीं होती। तो यानी कि 18 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिए है, और ये दर्शाता है कि फिल्म बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत जल्दी ये सभी फिल्मों को, आई थिंक कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड बीट करेगी। मुझे यहाँ पे सिर्फ तकलीफ इस बात की हो रही कि 30% इसका पोटेंशियल चला गया है, वो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक्चुअली अभी तक ऑफिशियल कलेक्शंस नहीं आया, तब तक वेट करते हैं, बट इतना साफ है कि 18 करोड़ तक रहेगा। और मेरा कल का प्रेडिक्शन 1719 करोड़ था, तो वो लगभग वो सही होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। आपकी क्या राय है इसके अर्ली एस्टिमेट जो क्रिटिक्स के आ रहे हैं उसके बारे में, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए कल इतना ही, बाय बाय।